चना बनाने के लिए हमने जितना चना है उतना ही पानी ले लिया इक्वल, और इसमें हम डाल देंगे सॉल्ट। 1 किलो चने के लिए 2 टीस्पून नमक बस हो जाएगा, अगर लगता है तो बाद में हम लोग टेस्ट करके डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 बड़ा चम्मच हल्दी और इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, कुकर को कर देंगे बंद। 1 सीटी आने के बाद हमें इसे 15 मिनट तक गलाना है। अगर आप फास्ट पे बनाना चाहते हो तो 2 से 3 सीटी लेके आपका ये चना गल जाएगा। मैंने रात भर चने को भीगने के लिए रख दिया था, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे गर्म पानी में 2 से 3 घंटा भीगने दीजिए। चने को बघारने के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया है एक पतीली नहीं एक्चुअली पतीला, और इसमें डाल देंगे थोड़ा ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपका मसाला भुन जाए इतना आपको डालना है। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 15 से 20 कलियाँ लहसुन की ली है और 8 से 10 हरी मिर्ची ली है, इसका पेस्ट हम यहाँ डाल देंगे। थोड़ा सा इसे अच्छे से भून लेंगे। लहसुन मिर्ची काफ़ी भूनने लगा है, मतलब कि सूखने लगा है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। ये कश्मीरी मिर्च है, आप अगर देगी मिर्च ले रहे हो तो अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें ले लेंगे हल्दी और डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाला अच्छे से पक पाए। गैस को कर देंगे फास्ट और मसाले को देंगे भूनने, तब तक भूनेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो ये चना हमने बॉईल किया ये सारा यहाँ पे डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे इमली का पानी एक जबरदस्त टेस्ट के लिए। इसको अच्छे से मिक्स दे देंगे और इसमें 1-2 मिनट तक के ये मसाले के साथ इसे पकने देंगे। मसाले के साथ हमें इसे 5 से 7 मिनट तक के पकने देना है ताकि मसाले अच्छे से चने में आ जाए। ये जो हमने चना निकाला था इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसको मैं यहाँ डाल दूंगी। दरदरा ग्राइंड करना है आपको और इसे अब इसमें मिक्स कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसे पकने देंगे, इसकी कंसिस्टेंसी और गाढ़ी हो जाएगी जब ये पकेगा, तो फिर हम इसे गैस ऑफ करके सर्व करेंगे। इसमें आ गया है बॉईल, बॉईल आने लगा है, तो अब मैं इसे 2 मिनट और पककर गैस को कर देती हूँ ऑफ और फिर मैं इसे सर्व करूंगी। ये रेडी हो गया है हमारा रगड़ा, हम बस इसमें गार्निश करेंगे थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के साथ, और ये रेडी हो गया है हमारा जबरदस्त सा रगड़ा।